बारबल डेडलिफ्ट काफी अच्छी कंपाउंड एक्सरसाइज है लोअर बैक, लेग्स और कोर के साथ साथ कई मसल को टारगेट करने के लिए। इसे करने के लिए ओलंपिक बारबल के बीचों बीच खड़े हो जाए, बारबल को अपनी हिप्स की चौड़ाई के बराबर पकड़ते हुए इसे परफॉर्म करें। इसे करते समय सही फॉर्म का ध्यान जरूर रखें और सपोर्टिंग बेल्ट का यूज जरूर करें, जिससे कि आपकी लोअर बैक में कोई इंजरी ना हो। इस एक्सरसाइज के आप 4 सेट और 6 से 10 रिपीटेशन परफॉर्म करें। बेंट ओवर बारबल रो, यह भी बैक मसल की कंपाउंड एक्सरसाइज है। इससे अपर बैक, लैट्स और ट्रैप मसल ट्रेन होता है। इसमें आप नीज को बेंड करते हुए खड़े हो जाए, बैक को सीधा रखते हुए बारबल को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर पकड़कर बारबल को लोअर चेस्ट की ओर खींचकर लेकर आए तो 1 सेकंड होल्ड करें और उसी फॉर्म के साथ बारबल को स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर जाए। यह अपर बॉडी के पोस्चर को सही और मजबूत करने में काफी मदद करता है। इसके आप 3 सेट और 8 से 12 रिपीटेशन करें। सीटेड केबल रो काफी आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज है मिडल बैक मसल को ट्रेन करने के लिए। इसे केबल रो मशीन के सामने बैठकर वी हैंडल या स्टेट बार केबल के साथ परफॉर्म करना है। बैक मसल को सीधा रखते हुए हैंडल को खींचकर 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करें और बैक और शोल्डर मसल को अच्छी तरह से स्क्वीज करें और उसी फॉर्म के साथ हैंडल को स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर जाए। इस एक्सरसाइज का लोड बाइसेप और फोरम मसल पर भी आता है। इसके आप 3 सेट और 8 से 12 रिपीटेशन परफॉर्म करें। वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, लैट मसल को ग्रो करने के लिए और बॉडी को चौड़ी बनाने के लिए सबसे आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। लैट पुल डाउन मशीन पर बैठकर इसे परफॉर्म करना है। लैट पुल डाउन बार को वाइड ग्रिप के साथ पकड़ ले और बैक को सीधा रखते हुए बार को खींचकर अपर चेस्ट की ओर लेकर आए तो 1 सेकंड होल्ड करें और लैट मसल को अच्छी तरह से स्क्वीज करें और ऊपर की ओर ले जाए तो लैट्स मसल को स्ट्रेच करें। वाइड ग्रिप चिनअप्स, बैक और बाइसेप मसल को एक साथ ट्रेन करने के लिए काफी अच्छी बॉडी वेट एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए पुलअप्स बार को शोल्डर की चौड़ाई से बाहर अंडर हैंड ग्रिप के साथ पकड़कर लटक जाए। जब भी आप अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचे और उसी फॉर्म के साथ नीचे लेकर आए तो लैट्स मसल को स्ट्रेच करें। इसके आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन जरूर परफॉर्म करें। रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन, इसमें आपकी फॉर्म सेम वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन की तरह ही रहेगी। सिर्फ आपको लैट पुल डाउन बार को अंडर हैंड ग्रिप के साथ पकड़ना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया है। जब भी आप बार को नीचे की ओर खींचकर चेस्ट तक लेकर आए तो बैक मसल को स्क्वीज करें और ऊपर की ओर ले जाए तो लैट्स मसल को स्ट्रेच करें। इस एक्सरसाइज से भी बैक काफी तेजी से चौड़ी बनती है और लोअर बैक और बाइसेप मसल ट्रेन होता है। इसके आप 3 सेट और 8 से 12 रिपीटेशन करें। वन आर्म डंबल रो, इसे करने के लिए एक हाथ में डंबल को लेकर फ्लैट बेंच या फिर किसी भी चीज के सपोर्ट से बेंट ओवर पोजीशन में खड़े हो जाए। बैक को सीधा रखते हुए डंबल को ऊपर की ओर खींचे तो मिडल बैक मसल को स्क्वीज करें और नीचे की ओर ले जाए तो लैट्स मसल को स्ट्रेच करें। इससे भी बैक मसल तेजी से चौड़ी बनने के साथ साथ बैक मसल का साइज भी तेजी से ग्रो होता है। इसके आप 3 सेट और 8 से 12 रिपीटेशन दोनों हाथों से परफॉर्म करें।